हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एलिप्स के टॉपिक पे जितना भी डिस्कशन कर चुके हैं उसका सारा क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि डायरेक्टली एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन आज लेंगे। अभी हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इसके बाद हम बहुत सारा क्वेश्चन लेंगे। तो क्वेश्चन लेने से पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि अगर आप पिछला वीडियोज नहीं देखे हैं, क्योंकि वो इससे पहले 3 लेक्चर एलिप्स का हो चुका है, तो अगर वो पुराना वीडियोज अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। तो उससे क्या होगा, आप जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट में कहीं भी दिक्कत आने वाला नहीं है। आज सिर्फ एमसीक्यू चलेगा, जितना भी कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सारा टाइप का एमसीक्यू हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोग से एक चीज़ गुजारिश रहेगा मेरा, कि जो भी बच्चे 19 तारीख को जेपीएससी एग्ज़ाम दिए हैं उन बच्चों से मेरा है रिक्वेस्ट है कि कितना, क्योंकि आज झारखंड जेपीएससी का जो रहे आपका आंसर की रिलीज हो गया है ऑफिशियल आंसर की, तो जितना बच्चा भी एग्ज़ाम दिया है तो कितना कितना बन रहा है वो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं, कि जीएस पेपर 1 में कितना बना, जीएस पेपर 2 में कितना बना, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो लगभग सभी बच्चे तो एग्ज़ाम दिए ही होंगे, तो आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग आज इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स क्या होता है, तो एक ऑप्शन में है ई इज इक्वल टू 1, ई ग्रेटर देन 1, ई लेस देन 1 और ई इज इक्वल टू इन्फाइनाइट। तो आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है इसेंट्रिसिटी का, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्या बता चुके हैं। सबसे पहले देखिए क्या बता चुके हैं, जब हम पैराबोला पढ़ाएं तो उसमें हम इसेंट्रिसिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताएं, लेकिन पैराबोला का इसेंट्रिसिटी जनरली 1 होता है। ठीक है, ये आपको जानकारी रखना। एलिप्स का इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होता है और हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग आज किसका डिस्कशन करना है, तो एलिप्स का। तो एलिप्स का इसेंट्रिसिटी क्या होगा, तो लेस देन 1, तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डायरेक्टली आपको एग्जाम में ये सब पूछा जा सकता है, छोटा छोटा शॉर्ट शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी में बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फाइंड द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स 4x² + 3y² = 12। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बता दिया, बोल दिया कि है एलिप्स। ठीक है, एलिप्स ही है, नहीं बोलता फिर भी दिख रहा है कि एलिप्स ही है, उसको हम x² / a² + y² / b² फॉर्म में ला सकते हैं। तो सबसे पहले उस फॉर्म में लाएंगे तब ना हम मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का लेंथ बता सकते हैं कितना है। तो चलिए उसको पहले लाते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 4x² + 3y² = 12। आप जानते हैं कि राइट साइड में हम लोग को 1 रखना पड़ता है, तो 1 कैसे है, 12 को नीचे ले आइए, तो आपका 4x² / 12 + 3y² / 12 = 1 आ जाएगा। यहाँ से कैंसिल होकर आपका बच जाएगा x² / 3 + y² / 4 = 1। अब इसको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखिएगा, तो आ जाएगा x√3² + y/2² = 1। ठीक है, अब आपका x² / a² + y² / b² = 1 आ गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग को पहचानना है कि मेजर एक्सिस कौन सा है और माइनर एक्सिस कौन सा है। यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है ए और बी को लेकर। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो बड़ा होता है इन दोनों में से वही मेजर एक्सिस होता है, वही सेमी मेजर होता है। यहाँ पे तो ए और बी रहता है ना, तो 2a होता है आपका मेजर एक्सिस और 2b होता है माइनर एक्सिस हॉरिजॉन्टल एलिप्स का केस में। लेकिन यहाँ पे कि कुछ है कि देखिए ये बड़ा है कि ये बड़ा है, अगर x के नीचे वाला यह बड़ा होता तो ये वाला मेजर एक्सिस हो जाता, यहाँ y के नीचे वाला बड़ा होता तो देखिए √3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो 2 बड़ा है, मतलब 2 बड़ा है, तो मेजर एक्सिस या सेमी मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा। यहाँ तो सेमी मेजर और सेमी माइनर रहता है, ए और बी रहता है, 2a और 2b नहीं रहता। तो आपको देखिए सेमी मेजर कितना हो जा रहा है, सेमी मेजर दिया हुआ है 2, क्योंकि 2 नहीं बड़ा है, 2 बड़ा है √3 से। ठीक है, अगर √3 बड़ा होता है, यहाँ पे कुछ ऐसा रहता कि √3 बड़ा हो जाता, सेमी मेजर √3 हो जाता। और हम लोग को क्या निकलना है, तो क्या निकलना है, तो हम लोग को मेजर निकालना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेजर निकल जाएगा, तो 2 × 2 = 4, क्योंकि 2a और 2b हम लोग को सेम। और यही हम लोग को माइनर एक्सिस अगर बोल दे कि माइनर एक्सिस निकालो, तो माइनर कितना, पहले यहाँ पर √3 सेमी माइनर है, √3 अगर सेमी माइनर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनर एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ इसमें पूछा है सेम मेजर एक्सिस पूछा, तो मेजर एक्सिस कितना है, तो 4 है ना, ये मेजर एक्सिस हो जाएगा कितना, तो 4 है, तो 4 आप देखिए कौन सा ऑप्शन है, आपको ऑप्शन डी में 4 मिल रहा है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स 3x²
प्लस फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12। इस एलिप्स का इसेंट्रिसिटी आपसे पूछ लिया है, ठीक है। तो इस एलिप्स का इसेंट्रिसिटी सबसे पहले देखिए, आपको सबसे पहले काम ये रहता है कि पहले पहचानना है कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है कि वर्टिकल एलिप्स है। अगर एक्स के नीचे वाला बड़ा है और वाई का नीचे वाला जो है छोटा है तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है। यही ना होता है कि एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर बराबर वन। अगर ए ग्रेटर देन बी होता है तो ये हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, और अगर बी ग्रेटर देन ए हो गया तो वर्टिकल स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। ये तो आपको जानकारी होगा ही। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, बी ग्रेटर देन ए है क्योंकि वाई के नीचे वाला बड़ा है, ये वर्टिकल वाला फॉर्म हो गया। तो वर्टिकल वाला फॉर्म हो गया तो मेजर एक्सिस क्या होता है, टू बी होता है। बस वही टू बी कर दिए, पहले तो बी दिख रहा है टू, तो टू बी हो गया मेजर एक्सिस, है ना। तो इस अब इस एलिप्स का देखिए, इसमें इसेंट्रिसिटी निकालना, तो इसका पहले एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर फॉर्म में लिखिए। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए फॉर्मेट आपका, इसमें फॉर्मेट क्या आता है आपका, तो ये है आपका थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब इसको उस फॉर्मेट में लिखिएगा तो थ्री एक्स स्क्वायर बाय 12 प्लस फोर वाई स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से कैंसिल कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3। तो इसको लिख सकते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि x का नीचे वाला बड़ा है कि y का नीचे वाला बड़ा है। अगर x का नीचे वाला बड़ा है मतलब a है ग्रेटर देन b है, क्योंकि 2 ग्रेटर देन रूट 3 होता है, ठीक है। मतलब ये हॉरिजॉन्टल वाला फॉर्म, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स में तो सबसे पहले हम लोग को a और b क्या मिल गया, तो a मिल गया भाई 2 और b मिल गया रूट 3, ठीक है। ए और बी 2 और रूट 3 मिल गया। हम लोग को क्या निकालना है, तो इसेंट्रिसिटी निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स में हम लोग को क्या होता है, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये वाला फॉर्म हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्म हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसी वाला फॉर्म में इसको पुट कर देंगे तो इसेंट्रिसिटी निकल के आ जाएगा। तो पुट कर दीजिए, पुट जैसे कीजिएगा आपका हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, ये 3 बाय 4 1 माइनस ई स्क्वायर। तो आपका इधर आ जाएगा 3 बाई 4 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर, और यह आपका आ जाएगा माइनस 1 बाय 4 बराबर माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर बराबर 1 बाय 4 हो जाएगा और ई इज इक्वल टू 1 बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। इसेंट्रिसिटी नेगेटिव नहीं होता तो हम लोग नेगेटिव, यहाँ पे प्लस माइनस 1 बाय 2 आएगा, तो इसेंट्रिसिटी नेगेटिव नहीं होता तो नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, प्लस 1 बाय 2 लेंगे, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ई का वैल्यू जो है प्लस माइनस 1 बाय 2 होगा, लेकिन ये माइनस वाला हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो e इज इक्वल टू 1 बाई 2 किस में आ रहा, देखिए कौन वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए ही आपका मैच कर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह का एग्जाम में डायरेक्टली छोटा छोटा क्वेश्चन है, तुरंत आपको सॉल्व हो जाएगा, एक सेकंड दो सेकंड का क्वेश्चन है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ फोकाई ऑफ एन एलिप्स इज प्लस माइनस 4.0, ये दो फोकस दिया हुआ है, 4.0 और एक -4.0, और इसेंट्रिसिटी 1 बाई 2 दिया है, तो माइनर एक्सिस का लेंथ पूछा, फाइंड द माइनर एक्सिस। तो कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ पे थोड़ा हम इरेज कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको यही पहचानना है कि भाई वर्टिकल वाला फॉर्म है कि हॉरिजॉन्टल वाला फॉर्म है, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं, ये भी देखना होगा, ठीक है। अगर सीधा सीधी दिख जाता है तो मिल जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो नहीं है, फिर आगे हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फोकस दिया हुआ 4.0 और -4.0, मतलब देखिए ये रहा आपका, ये दोनों पॉइंट तो एक्स एक्सिस में ही है, 4.0 और -4.0, मतलब ये रहा आपका 4.0 -4.0 और ये रहा 4.0, मतलब इस एलिप्स का सेंटर कहाँ होगा इन दोनों के बीच में, 0.0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल वाला फॉर्म है, ठीक है। मतलब एलिप्स आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो एलिप्स आपका निकल के आ गया, तो अब हम लोग इसेंट्रिसिटी भी दिया हुआ है, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ, ठीक है, इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है। और अब हम लोग को क्या चाहिए, तो माइनर एक्सिस चाहिए, मतलब किसका वैल्यू चाहिए, 2b का वैल्यू हम लोग को चाहिए। तो 2b का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, 2b का वैल्यू निकालने के लिए बहुत सारा यहाँ पे तामझाम करना होगा। तो तामझाम देखिए, ये रहा सेंटर और ये रहा फोकस, एक फोकस एस डैश और एक फोकस ये एस, ठीक है। तो सेंटर से फोकस का डिस्टेंस ए ई और इधर भी ए ई, मतलब 2a, तो 2a दिया हुआ है इन दोनों का बीच का डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 4, 8 हो गया, और ए बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद ई दे दिया 1/2, ई को यहाँ पुट कर दीजिए, तो ए 1/2 इज इक्वल टू 4, तो ए का वैल्यू आ गया 8, ई का वैल्यू हो गया 1/2। अब हम लोग फिर वही वाला फॉर्म यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में क्या लिखते हैं भाई साहब,
हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हम लोग लिखते हैं बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर फॉर्म, ठीक है। ये वाला तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला जानते ही हैं, तो बस पुट कर दीजिए। तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो ए कितना है आठ, ए आठ आया ना, हाँ, तो आठ का स्क्वायर इधर चौंसठ और वन माइनस ई कितना वन बाई टू, तो वन बाई टू तो वही ई स्क्वायर वन बाय फोर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बी स्क्वायर चौंसठ थ्री बाय फोर और यहाँ से आपका आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर ये आपका चार से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा बारह। तो बी इज इक्वल कितना हो गया रूट अंडर बारह, रूट बारह आपका बी आ गया, ठीक है। तो रूट बारह को हम लोग कितना लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको टू रूट थ्री लिख सकते हैं, टू रूट थ्री लिख सकते हैं, आपका बी का वैल्यू आ गया टू रूट थ्री। अब हम लोग को निकालना किसका है, टू बी का, बी का नहीं निकालना क्यों, यहाँ सेमी माइनर नहीं माइनर एक्सिस पूछा, ठीक है। तो माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा टू बी, तो टू बी कितना हो जाएगा फोर रूट टू, ठीक है। तो कौन वाला ऑप्शन मैच कर रहा सबसे पहले देख लीजिए आप, थ्री रूट सिक्स नहीं मैच कर रहा, टू रूट सिक्स नहीं मैच कर रहा, फाइव रूट सिक्स नहीं कर रहा, मतलब नॉन ऑफ दीज आ गया ना, तो आपका नॉन ऑफ दीज आंसर हो गया फोर रूट टू आ जाएगा आंसर, ठीक। बाकी अब कैलकुलेशन देख लीजिएगा कहीं अगर मिस्टेक है तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब पाँचवा वाला आ गया एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन एट वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर बाय सिक्स इज इक्वल टू वन, फाइंड द सेंटर ऑफ द एलिप्स। तो ये तो आपको दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म ही है, क्यों, क्योंकि एक्स के नीचे वाला बड़ा है और वाई के नीचे वाला छोटा है तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है इसका, शिफ्टेड एलिप्स है। आपको एक लेक्चर पढ़ा है शिफ्टिंग ऑफ एलिप्स, तो शिफ्टिंग ऑफ एलिप्स ही वाला क्वेश्चन आपका बनेगा। तो शिफ्टिंग ऑफ एलिप्स से कैसे बनेगा आपको अभी हम समझा देते हैं, ज़्यादा इसमें विशेष कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा क्या निकालना है उसमें, उसमें हम लोग सेंटर निकालना। तो आपको हम पढ़ा दिए हैं, क्या पढ़ा दिए हैं देखिए, क्या पढ़ा दिए हैं कि अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन है, मतलब इसका सेंटर जो है जीरो कॉमा जीरो होता है, ठीक। अब अगर यहाँ पे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन है, मतलब ये जो इसी एलिप्स को हम लोग एच कॉमा के से शिफ्ट कर दिए, मतलब जीरो कॉमा जीरो सेंटर था, अब वो सेंटर एच कॉमा के पे चल गया, मतलब बीच में माइनस है तो ये दोनों प्लस प्लस हम लोग लेंगे, ठीक है, और प्लस रहता तो माइनस माइनस लेते, ठीक है। मतलब इसका सेंटर कितना हो गया एच कॉमा के। तो इसी तरह इस क्वेश्चन में देखिए एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन एट है, इसको रूट एट का स्क्वायर लिखे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई मतलब भी नहीं है। वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर अपॉन रूट सिक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वही सेम एलिप्स है, लेकिन क्या किया हुआ है, सबसे पहले देखिए इसको टू से शिफ्ट कर दिया एक्स एक्स इसका एक्स कोऑर्डिनेट को सेंटर का, और वाई को क्या किया माइनस थ्री से शिफ्ट किया। देखिए जब माइनस रहेगा तो प्लस लेंगे और जब प्लस रहेगा तो माइनस लेंगे, मतलब इसका सेंटर कितना हो जाएगा भाई टू कॉमा माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपको मैच कर रहा है, माइनस टू कॉमा थ्री, टू कॉमा माइनस थ्री, टू कॉमा माइनस थ्री आपका मैच कर जा रहा, मतलब ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। तो ये अभी हम लोग पांच क्वेश्चन लिए, इसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक बार आप चाहे तो ढंग से इसको देखें नोट करें, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप हम लोग देखेंगे स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन और भी हम लोग अभी लेंगे। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि जो जो बच्चे नोट्स परचेज कर लिए हैं मैथ्स और फिजिक्स का, उन बच्चों के लिए एक चीज़ हमको अनाउंसमेंट करना है कि जो बच्चे नोट्स लिए हैं उनके लिए जो पैराबोला का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको भेज दिया गया है। बहुत सारे बच्चे जो नोट्स लिए उनको पैराबोला का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है सॉल्यूशन के साथ उसका पीडीएफ भी उनको भेज दिया गया है, और जो जिनको जिनको नहीं मिला, जो जो बच्चे नोट्स परचेज किए हैं और उनको पैराबोला का प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं मिला है वो हमको व्हाट्सएप में कहें, उसको हम सेंड कर देंगे, ठीक है। तो वो सुविधा उन्हीं के लिए जो नोट्स परचेज किए हुए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको नहीं मिल पाया, क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप में ऐसा होता है कि बहुत सारा कॉन्टैक्ट है जो मतलब कि एक दो छूट गया होगा, तो आप जिसको नहीं मिला है जो नोट्स खरीदें वो हमको एक बार व्हाट्सएप में बोल देंगे सर हमको वो नहीं मिला, क्योंकि पैराबोला चैप्टर खत्म हो गया, बहुत सारा क्वेश्चन हम करा दिए हैं और बहुत ऐसा क्वेश्चन रह गया, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। नोट्स में बहुत सारा प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए जो हम एक पीडीएफ अलग से बना के उसका सॉल्यूशन के साथ जो है बहुत सारा क्वेश्चन को सेंड कर दिए हैं, जिनको नहीं मिला वो हमको एक बार बोल सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे नोट्स नहीं लिए वो ले लें, बहुत ही फायदा बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि
आपको कहीं भी इधर उधर करने से आपको जो ढंग से तैयारी हो नहीं पाएगा, क्योंकि मार्केट में उस तरह का मटेरियल अवेलेबल है नहीं। और बुक्स के बारे में तो आपको हम बताए हैं, लेकिन अगर आप मतलब पढ़ने के लायक हैं बुक्स तो ठीक है, नहीं तो फिर आप खरीद लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये सब वीडियो देखने के बाद अगर आप नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। और प्रैक्टिस क्वेश्चन तो हम प्रोवाइड करा ही रहे हैं, जो चैप्टर यूट्यूब में कम्प्लीट हो जाएगा उसका हम प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है कि द इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपन 10 माइनस ए वाई स्क्वायर अपन 4 माइनस ए इज इक्वल टू वन रिप्रेजेंट करता है, अगर रिप्रेजेंट अन एलिप्स, इफ एलिप्स कब रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहला मुद्दा तो यहाँ पे ये है कि एलिप्स को रिप्रेजेंट ये कब करेगा, तो कब करेगा, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ जानना चाहिए कि एलिप्स का फॉर्म क्या होता है। अगर ए लेस देन 4 होगा, ए ग्रेटर देन 4 होगा, ए जो है 4 और 10 के बीच में होगा, ए ग्रेटर देन 10 होगा, तो ये चारों केस में से कौन सा केस ऐसा है कि यहाँ ए के जगह पुट करेंगे तो ये जो इक्वेशन है एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये कैसा और कब और कैसे हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो हमको बता देते हैं कि हम लोग का फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब ये भी पॉजिटिव, नीचे वाला भी पॉजिटिव, ये वाला भी फॉर्म पॉजिटिव और ये वाला भी फॉर्म पॉजिटिव, और जो जोड़ के आया भाई वो तो पॉजिटिव ही है, ठीक है। मतलब ये जो आपको जितना दिख रहा है यहाँ पे सारा का सारा पॉजिटिव होना चाहिए, अगर एक भी टर्म नेगेटिव हो गया तो एलिप्स होगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि अब हम लोग पुट कर करके देखेंगे चारों ऑप्शन को किस में एलिप्स सेटिस्फाई करता है। इधर से शुरू करते हैं डी नंबर से, अगर ए को ग्रेटर देन 10 पुट कर देते हैं, तो ए को अगर ग्रेटर देन 10 पुट कर देंगे, मान के चलिए 11 पुट कर देते हैं, ए की जगह हम यहाँ पे 11 पुट कर देते हैं और यहाँ भी 11 पुट कर देते हैं, मतलब ये -1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, मतलब ये तो नेगेटिव आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे तो नेगेटिव हो नहीं सकता, मतलब ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इस तरह आपको एग्जाम में सोचना है, इस तरह से एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछ सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक जगह आप देखिए 4 से लेकर 10 तक में कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुट करके देखिए, चलिए 7 पुट करके देखिए, यहाँ पे 7 पुट करके देख लीजिए, ठीक है। तो ये तो 10 में 7 गया आपका 3, ये तो ठीक पॉजिटिव आया है, और यहाँ 4 में 7 गया तो -3, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ गड़बड़ हो गया फिर, मतलब ए का वैल्यू 4 से 10 के बीच में भी नहीं हो सकता है, ठीक। अब आगे हम लोग अगला ऑप्शन को चेक करते हैं, अगला ऑप्शन क्या है, ए ग्रेटर देन 4, तो ए ग्रेटर देन 4 पुट करके देखिए, तो ए ग्रेटर देन 4 कुछ भी ले लीजिए, 4 से बड़ा क्या 5 लेके देखते हैं, चलिए यहाँ भी 5 हो जाएगा, तो 10 में 5 गया तो यहाँ 5, यहाँ तो ठीक पॉजिटिव आ गया, ऊपर दोनों तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये तो 5 पॉजिटिव आ गया, लेकिन 4 में 5 जैसे माइनस करेंगे ये -1 हो जाएगा, मतलब यहाँ फिर नेगेटिव हो गया, मतलब ये भी ऑप्शन खारिज किया जाता है, ठीक। तो बच गया एक ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन है देखिए, ऑप्शन ए में क्या है कि ए लेस देन 4 है, तो a लेस देन 4 है, तो a लेस देन 4 पुट करके देखिए, क्या इक्वल टू 4 नहीं, इक्वल टू 4 कीजिएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, नीचे 0 होना से अनडिफाइन हो जाता है, और अनडिफाइन हो जाएगा तो आप जानते हैं क्या होगा, जो डिफाइन ही नहीं है, तो अनडिफाइन अगर आपको नहीं पता अनडिफाइन क्या होता है, तो एक मेरा अनडिफाइंड और इन्फिनिटी का वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इन्फिनिटी और अनडिफाइन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। मतलब कोई भी रियल नंबर है नीचे अगर 0 आ गया तो अनडिफाइन होता है, बहुत डिटेल में बता चुके हैं उस वीडियो में, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे a लेस देन 4 अगर हम पुट करेंगे, तो मान के चलिए 3 पुट करते थे, a लेस देन 4 में ये 7 हो गया, ये 1 हो गया, दोनों पॉजिटिव है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा, और भी बहुत सारा वैल्यू है ए लेस देन 4 में, कुछ भी पुट करके देखिए, सेटिस्फाई नहीं करेगा तब आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए और क्या पुट करके देखेंगे, ए लेस देन 4, चलिए -1 पुट कर दे, ये भी लेस देन 4 है, तो -1 पुट करेंगे, ये आपका हो जाएगा 11, माइनस प्लस हो गया और ये हो जाएगा 5, अभी पॉजिटिव आ रहा, मतलब ए लेस देन 4 का सारा वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा। 0 पुट करके देखिए, वो भी 4 से छोटा है, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0 पुट करके देखिए, तो हाँ ये तो 10 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यही आंसर हम लोग को सटीक, मतलब यही वाला ऑप्शन सटीक बैठ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ए लेस देन 4 पुट करेंगे तो ये वाला जो है इक्वेशन एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर एन एलिप्स विथ इसेंट्रिसिटी 1, एक एलिप्स है जिसका इसेंट्रिसिटी 1/2 दिया हुआ, 1/2 दिया हुआ, द सेंटर इज एट ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन में है, वन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इज एक्स इज इक्वल टू 4, डायरेक्ट्रिक्स का एक डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ एक्स इज इक्वल टू 4, देन इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, एलिप्स का इक्वेशन निकालना। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर है तो हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, तो वो सब चीज़ अभी हम लोग जानते हैं। इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या आ सकता है।
अरे ये तो ऑप्शन ही मिट गया, ये 1/3 है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन का ऑप्शन है। ठीक है तो देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ कि इसेंट्रिसिटी 1/2 दिया हुआ, तो इसेंट्रिसिटी को 1/2 ले लिए। ठीक, अब क्या दिया हुआ है, सेंटर ओरिजिन में है तो एलिप्स बनाते हैं। अभी कुछ देर के लिए हम हॉरिजॉन्टल ही बना रहे हैं, वर्टिकल आएगा हॉरिजॉन्टल आगे अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका सेंटर जो है 0.0 है, 0.0 में। ठीक, और डायरेक्ट्रिक्स दिया है एक्स इज इक्वल टू 4, यही तो क्लियर हो गया, एक्स इज इक्वल टू 4 तो यहाँ कहीं होगा, यही तो होगा, एक्स इज इक्वल टू 4 ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे हो जाएगा। अगर ऐसे होता डायरेक्ट्रिक्स अगर ऊपर जाता तब ये वर्टिकल एलिप्स बनता, लेकिन इसका तो राइट में है भाई, तो एक्स इज इक्वल टू 4 अगर आपका यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स मतलब ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। ठीक, यहाँ से क्लियर हो गया आपका, एक डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक, अब देखिए सेंटर से लेके इस डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस कितना होता है, ए बाय ई होता है, यहाँ से आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 4 तो और यही वाला तो वैल्यू एक्स है, यहाँ से यहाँ तक तो एक्स, सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स तो ए बाय ई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक चीज निकाल सकते हैं, ए बाय ई इज इक्वल टू 4 क्यों निकालें अभी हम समझा देंगे। ठीक है, अब हम लोग को इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालना है, पता चल गया स्टैंडर्ड फॉर्म है, हॉरिजॉन्टल भी है। ठीक है, बड़ा सुविधा हो गया, चलिए देख लेते हैं। ई का वैल्यू 1/2 दिया, वहाँ पे पुट कीजिए, ए 1/2 इज इक्वल टू 4 तो आपका हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 4, ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। मतलब आपको क्या मिल गया, सेमी मेजर का वैल्यू मिल गया, क्या मिल गया, सेमी मेजर का। अब हम लोग को किसका वैल्यू चाहिए भाई, तो हम लोग को वैल्यू चाहिए सेमी माइनर का, बी का भी वैल्यू चाहिए, ए का वैल्यू तो मिल गया, बी का वैल्यू मिलेगा तभी ना हम लोग इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल एलिप्स में ये वाला फॉर्मूला बार बार पढ़े हैं, ए बी और ई का रिलेशन। ठीक है, और यही वर्टिकल रहता तो ए और बी चेंज हो जाता, वर्टिकल एलिप्स में ऐसे हो जाता है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 - ई स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन से ही देखना पड़ेगा कि वर्टिकल एलिप्स है कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। ठीक है, तो ये वाला तो नहीं लगेगा, ऊपर वाला लगेगा, तो ए का वैल्यू मिल गया 2, एक बार चेक कर लीजिए सही बनाए कि नहीं, है ना, ए बाई इज इक्वल टू 4 हो गया, ए तो ठीक है, ई का वैल्यू 1/2 ये ऊपर 2 पर जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो ए का वैल्यू 2 आ जाएगा, सही है। ठीक है, चलिए तो बी स्क्वायर बराबर और एक ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 1 माइनस, और ई कितना दिया 1/2, ये आपका 1/4 हो जाएगा ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और हो जाएगा ये 3/4 और 4 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बी स्क्वायर बराबर 3 हो गया, तो बी इज इक्वल टू √3 हो गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग को ए और बी का वैल्यू मिल गया, अब इक्वेशन ऑफ एलिप्स आराम से लिख सकते हैं, हम लोग को चाहिए नहीं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अब ए और बी पुट कर दीजिए खत्म हो गया, एक ए का वैल्यू 2 है तो ए स्क्वायर 4 हो जाएगा और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी का वैल्यू √3 है तो बी स्क्वायर 3 हो जाएगा बराबर 1। ठीक, यहाँ तक क्लियर, यही इक्वेशन होगा, हम लोग को ऑप्शन से मैच करना, तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, तो हम लोग को क्या है देखिए 3 और 4 ऊपर में है तो कैसे होगा, ये दिन दोनों का एलसीएम लेके कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर दोनों साइड तो क्या हो जाएगा आपका ये वाला फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो ये 12 को नीचे कर करके देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे। ठीक है, अब 12 से पूरा दोनों साइड मल्टीप्लाई कीजिए ना, तो 12x² / 4 12² / 3 इज इक्वल टू 12, दोनों साइड 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, कर सकते हैं किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3x² + 4y² इज इक्वल टू 12, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, 3x² + 4y² इज इक्वल टू 12, ये 3x² + इसमें 1 है, ये 1 है, नहीं मिलेगा 4x² ये भी नहीं मिलेगा, 3x² + 4y² = 12, मतलब ऑप्शन बी आपका मैच कर रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो इसमें आपको एक्सप्लेनेशन में टाइम लग रहा है, हम आपको समझा रहे इसलिए इतना टाइम लग रहा है, आपको 2-2, 15 सेकंड, 20 सेकंड में आपको ये क्वेश्चन निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और आपको एग्जाम में ऐसे सब एग्जाम में काफ़ी टाइम मिलता है। तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इज 3 times द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस देन इसेंट्रिसिटी क्या होगा। ठीक है, बोल क्या रहा है कि मेजर एक्सिस जो है वो 3 गुना है माइनर एक्सिस का, ये दिया हुआ, ये ना बोल रहा कि इफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 3 times द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक, तो मेजर एक्सिस मान लीजिए 2a है, 3 times 2b,
टू टू आपका कैंसिल हो गया, मतलब ए बराबर 3b आ गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग को कोई दिक्कत अब नहीं है। अब हम लोग को क्या निकालना, तो इसेंट्रिसिटी निकालना। तो इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर वाला फॉर्म हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, ठीक है, तभी आप ये वाला फॉर्म यूज कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं कहा है तो आप डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल एलिप्स का भी फॉर्म यूज कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं कहा, जैसे इस क्वेश्चन में इफ द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इज 3 times द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, देन इसेंट्रिसिटी निकालो। तो यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्म लगाना है, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लगाएं कि वर्टिकल लगाएं, मतलब ये वाला लगाएं कि ये वाला लगाएं। तो उससे अगर आपको कुछ भी नहीं दिया तो हॉरिजॉन्टल वाला यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम लिख दिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिख दिए, ठीक, तो ए बराबर 3b दिया, पुट कर दीजिए। तो आप यहाँ पे बी स्क्वायर है और ए की जगह 3b स्क्वायर पुट कीजिए, 3b पुट कीजिएगा तो आपको 9b स्क्वायर हो जाएगा और 1 - e स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर आपका हो गया कैंसिल, 1/9 हो गया इक्वल टू 1 - e स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 1/9, तो e इज इक्वल हो जाएगा 8/9, e स्क्वायर बराबर 8/9 हो गया। ठीक है, तो e कितना हो जाएगा, 2√2/3 हो जाएगा। ठीक है, 2√2/3 कौन वाला ऑप्शन है देख लीजिए यहाँ से, और ये +-2√3/3 होगा, लेकिन माइनस इसेंट्रिसिटी नहीं होता, प्लस में होता। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन मैच कर रहा है, 2√2/3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब हम लोग आगे क्वेश्चंस को देखेंगे, तब तक इसको एक बार चाहे तो आप नोट कर ले। यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 छूट गया, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कशन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स 9x² + 16y² = 576। यहाँ पे देखिए छूट गया था ये, इसको देख लीजिए, 9x² + 16y² = 576। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है कि वर्टिकल एलिप्स है। तो 9x² / 576 16y² / 576 = 1। अब यहाँ से जो कैंसिल वो कर दीजिए, आपका यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे 64 आ जाएगा, 9 से कटेगा, ये आपका आ जाएगा 16 * 3 = 48, 9 बज गया 16 * 6 = 96। ठीक है, 636 आ जाएगा भाई। यहाँ पे x² / 8² + y² / 6² = 1। ठीक है, अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल वाला फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे मेजर x के नीचे वाला बड़ा है, y के नीचे वाला छोटा है। ठीक है, मतलब 8 > 6 है। तो ये आपका कौन सा फॉर्म है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म है, स्टैंडर्ड वाला। तो हम लोग क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी निकालना है। तो इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या क्या चाहिए, ए और बी चाहिए। तो ए कितना दे रहा भाई, 8 दे रहा है, बी कितना दे रहा, 6 दे रहा है। तो हम लोग ये फॉर्म जानते हैं, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 - e स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर कितना है, 36, ए स्क्वायर 64, 1 - e स्क्वायर आपका 36/64 = 1 - e स्क्वायर। तो ई स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 1 - 36/64। तो यहाँ से ई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा, 64 में 36 आप माइनस कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 64/28, ऐसे कुछ आएगा, है ना, हाँ 28 आएगा 64। ठीक, तो आप यहाँ से ई निकालिएगा, ई आपका आ जाएगा √28/ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा √28/8, आपको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2√7, है ना, 2√7/8। अब इसको 2 से कैंसिल कीजिएगा तो √7/4 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, √7/4, ये आपका डी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, √7/4। तो ये हम लोग 9 क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट, फिर अभी हम लोग आगे और कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। तो स्टूडेंट आप जो भी क्वेश्चन रह गया उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, और अगले क्लास में देखने के बाद जो है जब हम लोग को एलिप्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको एलिप्स का एक पीडीएफ भी मिल जाएगा, जो जो बच्चे नोट्स परचेज किए उनको एक पीडीएफ भी मिल जाएगा, जिसमें बहुत सारा प्रैक्टिस का क्वेश्चन भी रहेगा। तो अभी जितना पढ़ाया हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, जो नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, जो भी क्वेरी होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, आपसे एक
मेरा आज का ये रहा कि जितना बच्चा जेपीएससी अपियर किए हैं 19 सितंबर को और जितना जितना जीएस पेपर वन जीएस पेपर टू में जितना जितना मार्क्स आ रहा है कॉमेंट बॉक्स हमको जरूर लिख के बताएं, ठीक है, क्योंकि लगभग सारे बच्चे तो दिए ही होंगे, है ना। तो चलिए स्टूडेंट, आपको हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई भी क्वेरी है कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।